सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष वैश, ब्लेसिंग टीम शिकागो से। खुर्शीद भावनगरी द्वारा लिखी द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम का प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 29। पिछले ऑडियो में हमने प्रार्थना के बारे में जाना। विस्पी वरतू ने बताया कि प्रार्थनाएं संक्षिप्त व सच्ची होनी चाहिए। ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखने और सच्चा जीवन व्यतीत करने से की गई प्रार्थनाएं चमत्कार करती हैं। विस्पी वरतू ने बताया कि अहंकार मनुष्य को अवनति की ओर ले जाता है। उन्होंने बताया पृथ्वीवासियों को मृत्यु के संबंध में अपने विचार बदलना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो अहंकार की होती है, भौतिक शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है। जीवात्माएं अपने अवचेतन मन से संचालित होती हैं। और उन्होंने स्वचालित लेखन के बारे में भी जानकारी दी। बताया कि स्वचालित लेखन ईश्वर की ओर से पृथ्वीवासियों को एक वरदान स्वरूप है। अब आगे की जानकारी करते हैं। विस्पी वरतू से जब प्रश्न किया गया कि क्या स्वचालित लेखन एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा कहना बिल्कुल सही है। सर्वशक्तिमान ईश्वर चाहते हैं कि जीवात्माएं पृथ्वी पर इंसानी आत्माओं की मदद करें, इसलिए आप पृथ्वी पर इंसानी आत्माओं की मदद करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि धरती की आत्माएं एक गलत धारणा की शिकार हैं। उन्हें लगता है कि स्वचालित लेखन एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है और वो जीवात्माओं की उन्नति में बाधा पहुंचाती है, जबकि आध्यात्मिक विकास ही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। इंसान शुरुआत में अपने दिवंगत प्रियजनों के साथ दुख और सदमे की वजह से बात करता है और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि ये प्रियजन ही अब उनके आध्यात्मिक अभिभावक और संरक्षकों की भूमिका निभा रहे हैं। जब विस्पी और रतु से सवाल किया गया कि मृत्यु के बाद के सभी आत्माएं अपने धरती पर प्रियजनों से संपर्क क्यों नहीं करती, क्या सभी आत्माएं धरती पर रह रहे अपने प्रियजनों के दर्द और पीड़ा को कम करना नहीं चाहती, तब विस्पी और रति ने जवाब दिया, पृथ्वी पर कुछ प्रतिभाशाली आत्माएं माध्यम होती हैं जिनमें जीवात्मा जगत से संदेश प्राप्त करने की क्षमता होती है, और कुछ तो इसी वरदान के साथ पैदा होती हैं। उन्होंने ये वरदान कई जन्म लेने के बाद अर्जित किया होता है और यही उनका आध्यात्मिक जीवन कार्य होता है। सातवीं पृथ्वी पर सभी आत्माएं मृत्यु के बाद के जीवन एवं मृत्यु में विश्वास नहीं करती। जीवात्माओं से संपर्क करने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर आप सबूत की तलाश करते हैं तो वो कभी नहीं पा सकते। आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं, सबूत तो आपको चाहिए जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इंसान कई तरह के तर्क करता है। संपर्क तो जब ही हो सकता है जब इंसान व जीवात्माओं के बीच सच्चा प्यार हो, तभी उनकी आत्माएं एक दूसरे के करीब आने की इच्छुक होती है।
प्राथमिक अवस्था में जीवात्मा पृथ्वी पर की आत्मा की मदद करना चाहती है और दोनों ही आत्माओं का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना होता है। यदि पृथ्वी की आत्मा निम्न स्तर तक गिर जाए तो संपर्क की अनुमति नहीं मिलती, क्योंकि पृथ्वी पर की आत्मा का अवचेतन मन सुप्त होने के कगार पर होता है। विस्पी और रतु ने बताया कि यदि पृथ्वीवासी मजबूत और खुले मन के इंसान हैं तो जीवात्माओं को उन तक पहुंचने की अनुमति मिल जाती है। ये जीवात्मा जगत का नियम है। यदि पृथ्वीवासी सही राह पर हैं तभी वो उन तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। इस संपर्क के नियम का पहला कदम ही पृथ्वीवासियों का विश्वास और मन को खुला रखने का है, तभी जीवात्माएं उनसे संपर्क करने को तैयार होती हैं। विस्पी व रतु ने स्वचलित लेखन के फायदे के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अच्छी जीवात्माओं एवं धरती के लोगों को आध्यात्मिक विकास एवं निस्वार्थ सेवा करने के लिए यह एक वरदान की तरह प्रदान किया जाता है। स्वचलित लेखन एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें जीवात्माएं पृथ्वी की आत्माओं का मार्गदर्शन करती हैं। जीवात्माएं अपनी परीक्षाओं, प्रशिक्षण और कर्मों का बहादुरी और मुस्कान के साथ पृथ्वी की आत्माओं की मदद करती हैं। ये जीवात्माएं पृथ्वी की आत्माओं को सर्वशक्तिमान ईश्वर के सच्चे नियमों के बारे में जानकारी देती हैं। स्वचलित लेखन के प्रक्रिया के दौरान जीवात्मा पृथ्वी पर आत्मा को आरोग्य भी प्रदान करती हैं और इस प्रक्रिया से अवचेतन मन और भी ज़्यादा जागृत हो जाता है। विस्पी और रतु ने जीवात्मा जगत की विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने पृथ्वीवासियों को बताया कि आप सभी मनुष्य के रूप में एक जीवात्मा हैं। पृथ्वी पर हरेक व्यक्ति का यही अस्तित्व है और हरेक के पास एक नहीं बल्कि तीन शरीर होते हैं, मानवीय शरीर, अवकाशी शरीर और जीवात्मिक शरीर। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब वो मानवीय से अवकाशी और फिर जीवात्मिक रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रगति है। मृत्यु के बाद मनुष्य के भौतिक शरीर और भौतिक मन की मृत्यु हो जाती है। अवकाशी और जीवात्मिक शरीर की तुलना में भौतिक शरीर काफ़ी भारी होता है। मनुष्य अपने भौतिक शरीर और भौतिक मन का त्याग करने के बाद एक अवकाशी आत्मा बन जाता है। अवकाशी आत्मा वैसी ही दिखाई देती है जैसी कि मृत्यु के समय वो इंसान दिखता है। अवकाशीय शरीर मानवीय शरीर का प्रतिरूप होता है लेकिन बहुत ही हल्का होता है। अवकाशी आत्मा से आत्मा और अवचेतन मन जीवात्मा रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जीवात्मिक शरीर भौतिक शरीर व अवकाशी शरीर से काफ़ी हल्का होता है, पंख की तरह। आत्मा जितनी ज़्यादा विकसित होती है उसका जीवात्मिक रूप उतना ही चमकीला और युवा होता है। संपर्क में चल रही बातचीत के दौरान विस्पी व रतु से स्वर्ग व नरक के अस्तित्व के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि ईश्वर ने एक नियम बनाया है कि एक नकारात्मक आत्मा ठीक उसी जगह नहीं रह सकती जहाँ अच्छी आत्माएं रहती हैं। जब मनुष्य ने अपनी स्वतंत्र इच्छा यानी कि फ्री विल का प्रयोग प्रकाश से दूर जाने के लिए किया तो उनके सामूहिक स्पंदनों से एक नकारात्मक स्थान का निर्माण हुआ। सरल शब्दों में कहा जाए तो सातों लोकों की परिस्थिति का निर्माण इन लोकों में रहने वाली आत्माओं के द्वारा ही किया गया है। अस्तित्व केवल सात लोकों का है। स्वर्ग और नरक केवल आत्मा के विचारों, शब्दों
और कर्मों का प्रतिबिंब है। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सत्य का उद्देश्य यह नहीं है कि मन में डर बिठा ले, उसका उद्देश्य तो जागृति फैलाना है। जिस प्रकार सात लोक होते हैं उसी प्रकार सात विश्व भी हैं। जब आत्माएं अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करती हैं तब आप सातवें विश्व का लक्ष्य लेकर पहले विश्व से आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं। पृथ्वी तीन आयामों वाला तीसरा विश्व है। उत्सुकतापूर्वक विश्वी वर विद्धु से सवाल किया गया कि ईश्वर ने पृथ्वी पर अच्छी और बुरी आत्माओं को एक साथ रहने की अनुमति क्यों दी है। तब उन्होंने इस बारे में कहा कि सभी भली आत्माओं का यह जीवन कार्य है कि सभी आध्यात्मिक रूप से वही कार्य करते हुए वहीं पर कार्य करते हुए नकारात्मकता से संघर्ष करें। यदि नकारात्मकता का अस्तित्व नहीं होता तो पृथ्वीवासियों के लिए आध्यात्मिक रूप से परीक्षा कैसे होती। भली आत्माओं को नकारात्मक आत्माओं के बदलाव में मदद करने का मौका दिया जाता है जिससे वो ईश्वर के बताए सही रास्ते पर चल सके। विश्वी वर्तु से जब पूछा गया कि जब नकारात्मक आत्माएं दयालुता भरा व्यवहार या निस्वार्थ अच्छे कर्म देखती हैं तो संभव है कि वो भी अच्छे रास्ते पर प्रेरित हो जाएं। विश्वी वर्तु से पूछा कि नकारात्मक आत्माओं की अच्छी रास्ते पर कुछ उम्मीद की जा सकती है। इस बात का जवाब दिया गया, हाँ बिल्कुल है, लेकिन जब उनके मन में सुधार की सच्ची भावना जागी हो। जीवात्मा जगत में यदि किसी जीवात्मा को निम्न लोकों से मदद की सच्ची पुकार सुनाई देती है तो वो जरूर मदद करती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई मनुष्य जीवात्मा जगत के निम्न लोक में है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ उन्हें अनंत काल तक रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाता और अनंत नरक यातना जैसा कुछ नहीं होता। विकास करने, अच्छाई को चुनने और आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने के अक्सर अवसर मिलते हैं। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, शेष अगले ऑडियो में जानेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।